हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो शैडो फाइट अरीना। तो टॉक्सिक टेकडाउन का एक और पार्ट लेके आ चुका हूँ और पहले मैच में एनीगमा बहुत ही ज़्यादा फेमस कैंपर है, कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है। और मैंने थोड़ा सा वेट करके इसलिए डाला क्योंकि मैं चाहता था मैक्स डोजो ही लाऊँ। हालाँकि मैं बोल नहीं रहा कि मैं हमेशा टॉक्सिक टेकडाउन के सीरीज़ में मैक्स प्लेयर्स ही लाऊँगा, क्योंकि डोजो कोई एक्सक्यूज नहीं है कैंपिंग करने के लिए, और कैंपिंग करना किसी का हक नहीं, ठीक है। और पहले से तुम लोग देख सकते हो ये कोबरा के साथ कैसे खेलेगा, देख ही सकते हो, वाल में बैठ के भी वो पीछे ही जा रहा है। मैं इन लोगों को प्यार से फटे हुए पैकेट का नतीजा बोलता हूँ, क्योंकि इन लोगों से ही तो ये गेम बर्बाद हो गया। मैं और क्या ही बोलूँ, मैं एक फैक्ट बोलूँगा, एक चीज़ जो अभी तक बहुत यूट्यूबर समझ नहीं पाए, लेकिन एक फैक्ट है। मैंने बहुत यूट्यूबर्स को शुरुआती टाइम से इस गेम के ऊपर अपलोड करते हुए देखा है, उनके व्यूज़ अभी तक 2K 3K 4K इन्हीं रेंज में, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर ब्लेस गेमिंग को छोड़ के बहुत, वो भी 6K 7K मैक्सिमम 10K कोई अपडेट में आने के बाद। ये कोई प्रोग्रेसिव गेम का व्यूज़ होता नहीं है, इसका मतलब ये है कि अरीना का ग्रोथ उतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। उनके बहुत सारे रीजंस हैं, वन ऑफ द मेन रीजंस ये कैंपर्स हैं। एक नॉर्मल प्रोग्रेसिंग गेम में एटलीस्ट एक सक्सेसफुल यूट्यूबर को एक साल के हार्डवर्क से 50K 100K व्यूज़ आने चाहिए पर वीडियो, अगर उस गेम का पॉपुलैरिटी उतना ज़्यादा हो। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरीना में इतने कम प्लेयर्स है कि व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं बचा। इतने कैंपर्स और कैंपर्स को बात ही छोड़ो, एक तो 7 महीने हो गए एक हीरो आ नहीं रहा, और मैं सुन रहा हूँ कि न्यू हीरो नेक्स्ट फाइट पास में आएगा। मतलब क्या ऐसे कब तक चलेगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता होती है, इसलिए मैं ओपनली बोलता हूँ ये सब, क्योंकि मुझे पता है इन सब से कुछ नहीं होने वाला। देखो, इवेंट अच्छा ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हीरो अगर तुमने इतना ज़्यादा लेट कर दिया है, उसके बाद अगर फाइट पास में वो पे टू विन हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा गलत होगा। और ये तो बस अपने क्या ही बोलो, शैंक का ना बैक अटैक चेंज कर देना चाहिए। शैंक का बैक अटैक ना बहुत ज़्यादा अब्यूसिव है कैंपर्स के लिए। शैंक का बैक अटैक ना कैंसिल करके वो बेस किक्स दे के वही सेम पैटर्न यूज करते हैं कैंपर्स, उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उससे। वो बैक अटैक हाईली अनपंचेबल है अगर तुम कैंसिल कर दोगे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेंज भी है उसमें, 4 स्ट्राइक्स है। मार्कस ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया अगर मैं कहूँ तो, मैक्स कोबरा और ऑलमोस्ट हाफ मैक्स शैंक को डाउन कर दिया। ये वाला क्लिप एम्पर के पिछले वाले का था जब रिवर्क नहीं हुआ था, और एक और है रिवर्क के साथ इसी वीडियो में। देखो, अगर मैं सर्च करूँ एम्पर भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस तो है लेकिन वीक भी है। अगर मैं सर्च करूँ अभी सबसे ज़्यादा बैलेंस तो मेरे ख्याल से अजुना, एम्परर, मार्कस, हेल्गा, लिंक्स विदाउट अनरैवल, असैसिन, केट और कौन, यूका, इन 7 कैरेक्टर्स मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है। हेल्गा का भी एक चीज़ मैं बोलूँगा बाद में, अगर वो चेंज हो जाए तो बिल्कुल ही बैलेंस्ड है। खैर, यहाँ पे तो वो नौटंकी पेल रहा है, उसने वीक पॉइंट्स नहीं लिया, शायद विम प्रोटेक्शन लिया है। कैंपर्स में दिमाग कर रहे हैं, ये मैंने ऐसे देखा है, नहीं है ना वीक पॉइंट्स तो नहीं है शायद इसके पास जो मैंने देखा। खैर, यहाँ पे शैंग भी ख़त्म है। तो जो मैं बोल रहा था, एक एवरेज सक्सेसफुल गेम पे एटलीस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर्स जो भी थोड़ा बहुत भी अगर ग्रो कर चुके हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, एग्जांपल ले लो, किसका एग्जांपल, ब्लेस गेमिंग का ले लो, या फिर सुमित का ले लो, या फिर ओडिसी का ले लो, अगर वो एक साल से मेहनत कर रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव गेम में एटलीस्ट 50K 100K व्यूज़ पर वीडियो आने चाहिए। अगर उस गेम में थोड़ा सा भी डिसेंट अमाउंट ऑफ व्यूअर्स भी है, गेमर्स अगर थोड़े से भी है,
कोई अगर खेल रहा है वो, इस गेम में ग्रोथ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग कैक्टस, इतना ज़्यादा अनबैलेंस्ड है ये गेम, इतना ज़्यादा। सार्च, डेटोनेटर्स, होंगजू, एनकोड और क्या, अरे स्पेशल इफेक्ट्स, हाँ स्पेशल इफेक्ट्स, शैंक, विक पॉइंट्स, कैंपर, कीपो का ऑनस्लॉट, कोबरा का चार्ज बाइट, मंकी का एसेंशियल स्पैम, गिनती ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी लिंक्स का बॉम्ब स्पैम उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है इसलिए कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता उसको। तो इस ओपोनेंट को तो भाई अच्छे सबक सिखा दिया, लेकिन यही मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ, कैंपिंग से जीता नहीं जा सकता, इससे इरिटेटिंग होता है लोगों के लिए। मैं इतनी गर्मी में कमेंट्री कर रहा हूँ, मुझे गेम के ऊपर बात करनी ही नहीं है, क्योंकि इनके गेम प्ले में कुछ है ही नहीं कि मैं बात करूँ। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है मैं उन्हें क्लियर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा अवेयरनेस तो फैलेगा, क्योंकि सभी इन पर बहुत सारे मतलब कंटेंट के ऊपर तो बना रहे हैं, इन कैंपर्स को दिखा के कंटेंट तो व्यूज तो ले रहे हैं, लेकिन कोई क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है कि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करे? अगर सॉल्व भी ना करे तो प्रॉब्लम की बात तो करो। ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है इस गेम के प्रोग्रेशन के लिए। डैशेस का भी रेंज बढ़ा दिया, और ये ब्रोकन मंकी एक और फेमस कैंपर। ठीक है, मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, जिन लोगों ने इनके साथ खेला है इन लोगों को अच्छे से पता है ये कैसे खेलते हैं। बहुत लोग बोलेंगे ये अग्रेसिव खेल रहा है, मुझे पता है बहुत लोग, वो एक था ना मैंने शेन कैंपर के ऊपर डाला था, वो लोग एक छोटे से क्लिप को जज कर लेते हैं मैं गलत बोल रहा हूँ। अरे मैंने उन लोगों के साथ बहुत बार खेला है, उसके बाद ही मैं उन्हें जज कर रहा हूँ, मुझे पहले से पता है वो कैसे खेलेंगे। मैं किसी को भी कैंपर नहीं बोलता, मुझे पता है वो कैसे खेलता है क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बार खेल चुका हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता। और ये भी बहुत बड़ा कैंपर है, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रोकन मंकी, कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, जिन लोगों ने खेला है उन्हें पता है। इसने तो मंकी किंग भी नहीं लिया इस बार, और ये वाला तो रिवर्क था शायद एम्पर। हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स है इस गेम में अभी, इस टाइम पे हीरो इस टाइम पे नहीं आते। और एक और चीज़, गेम का साइज बढ़ते ही जा रहा है, और पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम तो शायद सभी के साथ होती होगी मेरे ख्याल से, थोड़ा सा गेम खेलने के बाद इतना हीटिंग का इशू क्यों होता है, उससे इतना ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हो जाता है। मैं बहुत सारे बड़े बड़े साइजेस के गेम खेल चुका हूँ मेरे इस फ़ोन में, कभी भी मैंने इतना ज़्यादा हीटिंग का इशू कभी फेस नहीं किया। ये गेम 5-10 मिनट में इतना ज़्यादा हीट कैसे हो जाता है, लेकिन कुछ ऑप्टिमाइज क्यों नहीं कर रही। बहुत, एक तो टाइम टू टाइम अपडेट्स नहीं, इस बार चलो एक ही इस ईयर में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेहनत की है मैं इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा। पिछले साल में तो फ्रस्ट्रेशन में मैंने छोड़ ही दिया था गेम, जिन लोगों को नहीं पता मेरे पिछले चैनल के बारे में उन लोगों को तो शायद मतलब कुछ लोगों को पता है थैंकफुली, और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बोल दूँ, मेरा एक पहले भी एक चैनल था, मैं उसमें शैडोफाइट 3 के ज़्यादा वीडियोज़ डालता था, शैडोफाइट एरिना के भी डालता था, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो के मैंने उस चैनल को छोड़ दिया था, क्योंकि मैं कि कुछ कर नहीं रहा था ना ही शैडोफाइट 3 में। शैडोफाइट 3 में स्टेबिलिटी की इशू थी, शैडोफाइट एरिना में कुछ भी नहीं होता था, बस कैंपर से ही रेगुलर फेस करना होता था, कोई अपडेट नहीं आता था, कोई इवेंट नहीं आता था, सब कुछ पे टू विन था उस टाइम पे। वेपन्स के अपडेट के बाद तो मैंने छोड़ ही दिया था, सबसे बड़ा पे टू विन अगर कोई अपडेट था वो वेपन्स का था, बहुत लोगों को पसंद आया था वेपन्स का अपडेट, बहुत लोगों को पसंद आया था, मुझे नहीं आया था। मुझे वेपन्स का कॉन्सेप्ट पसंद आया था, लेकिन एडिशनल स्टैट्स, एडिशनल एबिलिटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। इस गेम को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि ऐसा गेम मुझे हमेशा से चाहिए था यार, ऐसा एक फाइटिंग गेम अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वेपन्स में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, स्पेशली स्कारलेट रेंजन डेटोनेटर्स, कोई सेंस नहीं होते हैं वेपन्स में, एक्सट्रीमली ब्रोकन। स्कारलेट वेंजेंस का तो एक बग भी है, फिक्स ही नहीं हो रहा,
कब होगा? एक बग फिक्स करने में इतना सारा टाइम क्यों लगता है? और पता नहीं आठ महीने से सार्च को नर्फ नहीं किया लेकिन उस दिन मैं एक फ्रेंडली खेल रहा था लिंक्स वर्सेस सार्च, फ्रेंडली खेल रहा था दोस्त के साथ, तीन शॉट में लिंक्स खत्म। कैसा लगेगा तुम लोगों को? रिवेंज फॉर द फॉलन एक्टिवेट हो गया था, दो शॉट में तो आधा से ज़्यादा हेल्थ खत्म हो ही जाता है। अभी उसका थोड़ा सा हाँ, ये तो अपनी औकात दिखाएगा, मैं भूल ही गया था इतना बड़ा कैंपर है, अपनी हार को झेल नहीं पाएगा, वो छोड़ देगा शायद मैच, जितना मुझे लगता है। रियलिटी है ऐसे लोगों की, वो शायद ऐसा ही करेगा जितना मुझे याद है। हाँ, वही मोमेंट है, यही है रियलिटी इन जैसे लोगों की। कैंपिंग भी करो, हार भी स्वीकार ना करो, मतलब मैं फेयर खेला, मैंने तो कुछ इमोट भी नहीं डाला। पता नहीं भाई कौन से भाई कहाँ से आते हैं भाई ये लोग, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं तो कुछ किया भी नहीं, मैं हारने मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, ये गेम बर्बाद है यार, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कभी कभी। तो इसने अपनी औकात दिखा दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।